हासिल कर सकते हैं। और मैं एज अ कोच उन्हीं लोगों के साथ काम करती हूँ जो बड़ा सोचने की हिम्मत रखते हैं। है आप में हिम्मत? Yes! बड़ा सोचने की? Yes! तो आज उस सोच को हम असलियत में भी कन्वर्ट करेंगे। वी विल मेक दैट थॉट अ रियलिटी इन जस्ट 30 मिनट्स। इसको बोलते हैं मैजिक। और मैजिक जादू उन लोगों के साथ होता है जो जादू के लिए तैयार हो, ओपन हो। तो आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया। तो आप ये बताएं, आप में से लोग अपने आप को बिजनेस ओनर समझते हैं? हाथों पर करें प्लीज। बिजनेस ओनर्स हैं आप लोग सब? तो आप में से कितने लोग सेल्स में हैं? हाथों पर करें। तो बाकी लोग क्या करते हैं भाई? क्योंकि हम सब सेल्स में हैं। सेल्स के बारे में 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है। पहली बात ये कि हम सब कुछ ना कुछ सेल करते हैं। प्रोडक्ट नहीं तो सर्विस, सर्विस नहीं तो सोच, सोच नहीं तो व्यू पॉइंट, ओपिनियन, अपना स्वभाव, कुछ ना कुछ हम सेल करते हैं ताकि लोग हमें एक्सेप्ट करें। सच बात है, राइट? सो सेल्स से हेजिटेशन जो है ना हमारी, थोड़ी बहुत हिचकिचाहट, वो क्यों है? क्योंकि कभी कभी सेल्स में रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, राइट? और रिजेक्शन हमें पसंद नहीं है। किसी को नहीं अच्छा लगेगा कि कोई आपके मुंह पे बोल दे कि मुझे नहीं चाहिए भाई, ये बार बार आपके शुरू मत कर दो। होता है ना कभी कभी, कुछ लोग नहीं समझ पाते कि उनका फायदा है, उनको लगता है कि हम कुछ बेच रहे हैं, पता नहीं सिर्फ अपने फायदे के लिए बेच रहे हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। और इस चक्कर में हमें कभी कभी रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। लेकिन सच क्या है कि हम एनीवेज रिजेक्शन फेस कर रहे हैं लाइफ में, सिर्फ सेल्स में नहीं, जिंदगी में भी रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। से कितने लोग पेरेंट्स हैं, हाथों पर करें। रिजेक्शन मिल रही है कि नहीं? हर रोज घर पे मिल रही है ना? चाहे जो बोले हम उनके भले के लिए बोलते हैं, चाहे पढ़ने को भी बोले तो वही पढ़ के कुछ बनेंगे, हमें तो उनसे कुछ चाहिए भी नहीं भाई। जब तक देने की हालत में होंगे तब तक हम पता नहीं कहाँ होंगे, है ना? हम क्या चाहते हैं कि वो अच्छी जिंदगी जिए, फिर भी हमें रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। तो अगर किसी अच्छी वजह से आप रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, क्या बुरा है? अगर आप अमृत बेचने भी निकलेंगे ना तो भी पूरी दुनिया आपका कस्टमर नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे हमें अमृत नहीं चाहिए। तो वेलनेस जैसे प्रोडक्ट्स का कस्टमर कौन नहीं है? कौन नहीं है हमारा कस्टमर? जो अपनी वेलनेस के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, जो डॉक्टर के पास जाने को तैयार है, दवाई पे खर्चा करने को तैयार है, लेकिन प्रोएक्टिवली मैं कुछ सप्लीमेंट ले लूं या अपने सेहत का ध्यान रखूं, उनको फिजूल खर्ची लगती है। ऐसे लोग हमारे कस्टमर नहीं है। तो कभी कभी अगर हम ऐसे लोगों से टकरा जाए और वो बोले नहीं नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, तो हमें मन में क्या बोलना है? थैंक यू, राइट? ताकि हम बाकी ऐसे लोगों से मिल सके जो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, जो आपका इंतजार कर रहे हैं, जो ऐसे किसी प्रोडक्ट या सोल्यूशन का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है अगर वो आप जैसे किसी इंसान से मिल पाए। और हमारा पर्पस है ऐसे लोगों के पास पहुंचना, राइट? बिजनेस क्या होता है? जब मैंने बिजनेस शुरू किया ना, मुझे बिल्कुल बिजनेस नॉलेज नहीं थी। थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। मैंने बैंक्स के साथ काम किया है 10 साल, पहले सिटी फिर बार्क्लेज के साथ। और फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि एक जॉब में प्रॉब्लम 2 चीज़ें। पहली बात ये कि आपका पर्पस सिर्फ ये होता है कि अगली प्रमोशन मिल जाए, है ना, या थोड़ा सा सैलरी बढ़ जाए। और ये जो इंसान है, जो मेरा बॉस है, ये खुश रहे मुझसे। ऐसे एक या दो लोग को खुश रखना ही लाइफ का पर्पस है। लेकिन लाइफ इससे बहुत बड़ी है, इसलिए पर्पस भी इससे बढ़कर होना चाहिए। सिर्फ अपने बैंक बैलेंस से और अपने स्टार्टअप से बढ़कर होना चाहिए। दूसरी वजह ये कि आप चाहे जितनी भी मेहनत करें आपके जॉब में, आप सिर्फ मैक्स 2x तक ग्रो कर सकते हैं, राइट? लेकिन बिजनेस में ग्रोथ की कोई हद ही नहीं है। जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा आप अपने बिजनेस को बना सकते हैं, राइट? सबसे जरूरी बात है कि बिजनेस बहुत तरीकों से किया जा सकता है। दवा बेच के भी बिजनेस होता है और दारू बेच के भी बिजनेस होता है, सही बात है? लेकिन ऐसे बहुत कम बिजनेस है जिसको करने से हमें दुआएं मिलती है। और ऐसा बिजनेस आप लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
तो जब मैंने बिजनेस का सोचा, मेरे मन में भी बस ये सोच थी कि पैसे भी ऐसे चीज है कि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करके रोएं, तब आए मजा से लेकर। और उसके लिए तो थोड़ी रखनी पड़ेगी, थोड़ा बड़ा जिगर रखना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। और वो हिम्मत दिखाते दिखाते हम एक पॉइंट पे पहुंचे जब आज की डेट में सिर्फ टैक्सेस में मैं उतना पे कर रही हूँ जितना मेरे सैलरी का डबल है, जो मैं उस टाइम कमाती थी उसका डबल। आज की अच्छी और सिंपल ये पावरफुल स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ, जिसको मैंने बहुत सारे मेरे खुद के क्लाइंट्स के लिए यूज किया है। वो फ्रीलांसर्स जो 50,000 महीने का कमा रहे थे, आज 5,00,000 महीने का कमाते। वो बिजनेस ओनर्स जो 50 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे, आज 2.5 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी यूज करके। डज इट वर्क? यस, बट हु हैज टू मेक इट वर्क? यू। बुद्धा भी क्या बोलते थे कि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन रास्ते पे चलना है आपको, चलना तो आपको पड़ेगा, और रास्ता मैं दिखाने वाली हूं ताकि ये जो बड़ी सोच है ना, इसको हम सच बना सकें।